अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक्सक्लूसिव व्लॉग्स बाय गिलानी, सैयद हाशिम गिलानी, आबिद मार्केट, अहमद अब्दुल्ला, लाहौर से एक नया व्लॉग। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही अहम बात है जी, इसको आपने गौर से सुनना है और इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है ताकि इसमें आपको ज़रा से ज़रा फ़ायदा मिल सके जी। बात करने जा रहे हैं जी, हम जब प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं उसको परचेज़ करने का क्या तरीकाकार है। हमें अगर प्रोडक्ट का हाउ नो नहीं होगा तो हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं परचेज़ कर पाएंगे, लिहाजा मैं आपको रहनुमाई दूंगा। काइंडली अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और राइट साइड पर बेल आइकन दिया गया है, बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिलते रहें। गिलानी की रहनुमाई आप सब तक रसाई, मोर क्रिएशन, मोर पॉसिबिलिटीज जी। अब बात करने जा रहे हैं जी अब हम कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एम अब्दुल्ला पे कंप्लीट रेंज है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इस बारे में आप तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कंप्लीट रेंज में आपको ये आप डोमेस्टिक यूज़ भी कर सकते हैं, कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं और अपने घरों में जो किचन के लिए मुख्तलिफ चीज़ें आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हम बात करने जा रहे हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं प्रॉपरली आपसे बात शुरू करूँगा कि काइंडली आप आजकल सीज़न पीक पे है, समर का सीज़न है जी। कुछ लोग जो हैं वो इन्वर्टर्स लेने के लिए आते हैं, ठीक है जी, यानी कि एसीज़ वगैरह, रेफ्रिजरेटर्स, यानी कि सीज़न पीक पे है तो लोग सामान परचेज करने के जब आते हैं तो कस्टमर्स जो हैं वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को जो है ना वो थरथली सी मजा देते हैं जी, हमें फौरी काम करके दें, प्लीज़ काइंडली ठंडे मिजाज से काम लिया करें। उसके लिए मैं बताता हूँ होता क्या है। कुछ जो मीडियोकर लोग हैं, सिंपल सादा लोग हैं जिनके पास हैंड टू माउथ अर्निंग होती है, वो क्या करते हैं, एक रेफ्रिजरेटर परचेज करने के लिए या एक स्प्लिट यूनिट इन्वर्टर परचेज करने के लिए आया कि घर के कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कमेटी डाल लेते हैं, पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, तो लिहाजा 365 दिन इंतजार कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास स्पॉट पे आते हैं हमारे, तो 365 सेकंड इंतजार नहीं कर पाते, जबकि गरम गरम रोटी जो है ना वो स्टमिक को खराब करती है, मैदे को परफेक्ट नहीं रखती, तो लिहाजा गरम गरम ना खाएं, ठंडा खाएं। हमारे पास जब भी आए कम अज कम 3 घंटे टाइम निकाल कर घर से निकले, सीजन की बात कर रहा हूँ। जब आप हमारे पास आएंगे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में आपको मार्केट विजिट करने में भी तकरीबन कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, फिर आप एक चीज़ फाइनलाइज कर पाते हैं। जब आप एक प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं तो उसके लिए आपको बामुश्किल 2 मिनट लगते हैं, इनवॉइस जनरेट हो जाती है। लेकिन जब इनवॉइस जनरेट हो जाए काइंडली तहम्मुल का जो है मुजाहिरा करें, स्ट्रे करें। बाज़ुकात लोडिंग में अंदर जो है ना ये जब काम का रश ज़्यादा होता है तो लोडिंग अनलोडिंग में पिकअप्स के भी शॉर्ट्स हो जाती हैं, ठीक है, पिकअप हमारे पास शॉर्ट्स हो जाती हैं, मिलती नहीं है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं हमें रिक्शा करवा दें, भी रिक्शे वाले तो हमारे वाकिफकार नहीं है। अगर आप रिक्शा पे लेकर जाना चाह रहे हैं, डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होगी जो हमारा पिकअप ड्राइवर छोड़ के आएगा, उसके जिम्मेदार हम होंगे। अगर कोई बैलेंस अमाउंट होती है आप उसके हाथ भी भिजवा सकते हैं। अगर आप हमें एड्रेस देकर भी जाते हैं तो उस एड्रेस पर वो चीज़ आपको प्रॉपर उसी टाइम पर डिलीवर होगी जो आपसे कमिटमेंट की जाएगी, और इंशाल्लाह कमिटमेंट में फ़र्क नहीं होगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0300-431-2050, 0300-843-2050। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। काइंडली इस चीज़ का ख्याल करें, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करें उसको परचेज करने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लिया करें कि हमने कौन सी चीज़ परचेज करनी है और कौन सी चीज़ क्यों नहीं परचेज करनी। अगर हम इन्वर्टर ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, अगर हम इन्वर्टर नहीं ले रहे तो क्यों नहीं ले रहे, यानी कि इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूँ और स्प्लिट की बात कर रहा हूँ। और इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर और स्प्लिट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन लोगों के घर में बैकअप यूपीएस है, जनरेटर है और सोलर पैनल। इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी तकरीबन 50% तक लोग जो है सोलर पैनल से लगवा चुके हैं, और आने वाले वक्त में तकरीबन पूरी दुनिया ही सोलर पर शिफ्ट हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो हमारे काबू में अब नहीं रही, ठीक है जी। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जब भी आप कुछ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आएँ तो हमल का मुजाहरा किया करें, उसमें इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा। और रही बात अल्हम्दुलिल्लाह आबिद मार्केट एम अब्दुल्ला पे, आपको एक छत तले इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट रेंज मिलती है। सबसे अहम बात जो आप एम अब्दुल्ला पे तशरीफ़ लाते हैं तो आप इस चीज़ को मेनटेन रखें कि आपको जो चीज़ मिलेगी कंपनी की ऑफिशियल वारंटी में होगी। जब आप कंपनी की ऑफिशियल वारंटी में प्रोडक्ट लेते हैं उसमें आपका भी फायदा होता है, उसमें हमारा भी फायदा होता है, हम दोनों सिक्योर हो जाते हैं और कस्टमर भी हमारा जनरेट होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक कस्टमर के साथ हमारे हज़ारों कस्टमर जनरेट होते हैं, फिर उन हज़ारों के साथ हमारे जो है लाखों कस्टमर जनरेट होते हैं, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ने के बान, अस्सलामु अलैकुम।